पंडित जी, जेपीसी में शिवसेना को निकाल बाहर क्यों कर दिया है? ऐसे किसी को निकाला नहीं गया है कि लगभग जेपीसी की संख्या 30 हो गई है, 30 उसमें से सुषमा जी ने कहा था एक शिवसेना को देंगे करके। 20 लोग लोकसभा से हैं, 10 लोग राज्यसभा से हैं, तो संख्या के अनुसार नहीं बैठ पाया। कौन सा? नहीं, हमने सरकार से बातचीत में ही जेपीसी इसी विषय में मांगी है और हमने स्वीकार किया है कि जेपीसी 2G स्पेक्ट्रम में ही मान लिया है। अब CWG और आदर्श घोटाले में हम जेपीसी नहीं मांगेंगे, ये हमने तय किया है, क्योंकि विपक्ष और सरकार की बातचीत में ही फैसला हो गया है। लेकिन उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे, उस भ्रष्टाचार पर इसी सदन में, इस सत्र में ही चर्चा करेंगे। और वो नहीं, कॉम्प्रोमाइज का सवाल नहीं, क्योंकि हमने 2G स्पेक्ट्रम पे चर्चा होने के बजाय हम सदन नहीं चलने देंगे ये बात कही थी, और वो हमारी बात 22 को मंजूर हो गई, और उसके लिए हमने किसकी उसकी भी चर्चा होगी। यस, नहीं देखिए कि सबको हमने वो प्रयास किया, मालूम नहीं इसका गठन कैसे हुआ, आई डोंट से, लेकिन अभी भी दे सकते हैं हम उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक रिजाइन करके कोई, हाँ मैं देने को तैयार हूँ, आप शिवसेना को पटाइए। प्रणव मुखर्जी नहीं, उन्होंने जो बात कही मुझे लगता है कि उसको बहुत एग्जागरेट किया है। उन्होंने कहा कि अगर संसद में मांगे होगी, सदन नहीं चलेगा तो डेमोक्रेसी खत्म होगी, और दूसरे देश में जैसे मिलिट्री ने कब्जे में लिया वैसी हालत बन सकती है। मुझे लगता है एग्जागरेट है, और इसके लिए उसका जवाब सुषमा जी ने दिया है कि आपने भी 12 दिन सदन नहीं चलने दिया। नहीं, सुप्रीम ही आर नॉट इंडिकेटेड जुडिशरी, उसको एग्जाग्रेट करे कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर डेमोक्रेसी रखनी चाहती तो प्रणव दा अगर पहले दिन ही जेपीसी मांगती तो ये मुसीबत नहीं खड़ी होती। डेमोक्रेसी में भी सच्ची मांगे, सच मांगे, और जो जनता की मांगे उसको डिबेट करने में, उसका फैसला करने में आपत्ति क्या है? सरकार अगर सही फैसले माने तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, ये भी सुषमा जी ने कहा है, उसका जवाब उसमें सदन में दिया है। नहीं, अभी वो नहीं, जो भी बीजेपी के समय में भी NDA की गवर्नमेंट थी तब भी कुछ हुआ तो जेपीसी के सामने आएगा। ब्लेम नहीं, वो उसके, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जेपीसी की जांच होगी और बीजेपी उसके लिए, हाँ ठीक है, और सवाल पूछ सकते हैं आप, सवाल जवाब करेंगे हम, कोई पता, यस यस, देखिए बीजेपी के समय में भी पॉलिसी लाई गई थी, फैसले किए थे, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट थे। प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि किसी के वो सिस्टम में गलत है, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया आज जब उन्होंने जवाब दिया, और वो मुख्यतः जवाब दिया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, तो उन्होंने स्वीकार किया कि गलतियाँ हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन हम नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री ने जो आज जवाब दिया है वो प्रधानमंत्री का जवाब, वो विपक्ष के जैसा कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तीनों चीज़ों में हुआ है, लेकिन उन्होंने कार्रवाई क्या की? एज ए प्राइम मिनिस्टर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार होता है तो रोकें। खाली उपदेश करना ठीक नहीं है, वो ऐसा न हो इसके लिए कार्रवाई भी करना आवश्यक है। दो दो साल राजा क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं, CWG में क्या हो रहा है काल मालूम नहीं, ये कोई अच्छे प्रशासक का लक्षण नहीं है। स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनके पास संपत्ति है, जो भी है, चार होनी चाहिए, तो आप भी समझते हैं कि 1200 करोड़
नहीं, जहाँ तक बाबा रामदेव जी का सवाल है, उसके प्रति उनके कांग्रेस के एमपी ने जो व्यवहार किया उसकी हम निंदा करते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी दिग्विजय जी को क्या करना है, उनकी सरकार वो करे ना, उनका हमें क्या आपत्ति है, उनको करना है वो करे, हम नहीं बोल रहे करें। बीजेपी की तरफ से चार लोग आए हैं, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, तीसरा गुजरात गोपीनाथ मुंडे, और एक है हरेन पाठक। राज्यसभा के नाम राज्यसभा में आएंगे, आने के बाद बतलाएंगे। राज्यसभा में नाम तय हो गए, अलवालिया जी और रवि स्पोक्समैन हमारे। अरे रवि शंकर प्रसाद, क्या मुझे आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। आगे ना, क्या है अभी इलेक्शन भी डिक्लेयर नहीं हुआ, कौन कैंपेन करेगा? मैं।